DBS अकाउंट में मेरा अकाउंट है पर पैसा लेन देन नहीं हो रहा है, रुक गया ये है। इश्यू रिजॉल्व कर आपको ये हम कोशिश कर रहे हैं आपका ये इश्यू जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए, सिर्फ थोड़ा टाइम वेट कीजिए आगे। सर जी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँ थोड़ा वेट करूँ, ये कितना दिन से हो रहा है समस्या आप तो देख सक रहे हैं। आप तो 17 तारीख को आपका रिक्वेस्ट 17 तारीख को रिक्वेस्ट रेज किया था, टाइमलाइन इसका स्टार्ट वर्किंग डे का होता है। अच्छा 18 तारीख से आपका टाइमलाइन 18 तारीख से आपका टाइमलाइन चालू हुआ, 19 को गुरु नानक जयंती की वजह से बैंक बंद था, 20 तारीख को दूसरा दिन, फिर उसके बाद 21 को और संडे की वजह से बैंक बंद था, 22 और 23 यानी कि आज सिर्फ 4 वर्किंग डे हो गए आपका रिक्वेस्ट और टिकट रेज करके। लेकिन सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ वो कहाँ कितना दिन लगा है मुझे उतना समझना नहीं है। मैंने जिस दिन से मैंने मेरे यहाँ से मैंने उसको फॉरवर्ड किया उसी दिन से मैं 7 डेज पकड़ू ना। आप जा नहीं, रहे हैं नहीं, 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 सेवन डेज नहीं होता है सर। सुनिए सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चाहे वो ऐसा हाथ घुमा के कान पकड़ो चाहे यहाँ से घुमा के हाथ कान पकड़ो, कान ना एक ही पकड़ना होता है ना। हाथ घुमा के कान पकड़ने की बात नहीं है असलम, लेकिन अगर बैंक बंद रहेगा नहीं बैंक को अगर छुट्टी रहेगी तो आपके रिक्वेस्ट पे काम कैसे हो सकता है उसके। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे जगह में होते अगर आपको ऐसे में आपके बैंक से लोन लिया होता, अगर आपके बैंक को मैं पैसा अगर रिफंड नहीं करता अगर मैं उसको पे नहीं करता तो आप वहाँ से आदमी भेज देना। हेलो कॉल के शुरू में ही मैं बता चुका हूँ असलम जी कि आपका केस जो है वो एस्केलेट हो चुका है ऑलरेडी, आपको सिर्फ वेट करना है अभी थोड़ा टाइम। अगर मुझे वेट करना है ठीक है, आपके टाइम से तो टाइम नहीं है, मेरे टाइम से आपको टाइम है क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर हूँ, आप कंपनी हो, कंपनी में आप जब स्टाफ हो आपको स्टाफ के तरह मैं बता रहा हूँ। तो मेरा जो ये पैसा जो है मैं तो ऐसा कहीं से 2 नंबरी करके चोरी डकैती करके तो नहीं ले आया। सर आप मतलब जो बोल रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है ये भी हमने मेंशन किया है, हमारी टीम भी उसके ऊपर काम कर रही है। आपकी टीम क्या कर रही है मुझे उससे पता, मुझे उससे कुछ पता लगाना नहीं है, मतलब नहीं है मुझे मेरे पैसे से मतलब है। अगर आप मेरा पैसा अगर क्लियरिंग नहीं कर पा रहे हो तो मुझे आप लोग कह सकते हो जो नहीं आपका पैसा क्लियरिंग नहीं होगा आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका पैसा किधर नहीं जा रहा है, मैं बार बार आपको वही चीज बोल रहा हूँ, आपका पैसा किधर नहीं जा रहा है। आप जैसे कह रहे हैं मेरा पैसा किधर नहीं जा रहा है तो मैं इसके लिए मेरा पैसा रिफंड के लिए तो मैं बॉम्बे ब्रांच से बात करूं। बॉम्बे ब्रांच से बात करने की जरूरत नहीं है सर, ये आपको इसी नंबर पे कॉल करने के लिए बोले। कॉल करने के लिए बोला गया है क्या नहीं बोला गया है उतना मुझे पता नहीं, मुझे 2 घंटे के अंदर पैसा चाहिए था मेरे अकाउंट में। हम पूरी कोशिश करेंगे सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहा है जो 2 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं मुझे क्लियरिंग चाहिए ही चाहिए 2 घंटे के अंदर, मैंने आप लोग को 2 घंटे का टाइम दिया था जी, और अभी कितना टाइम हो चुका है ये बताइए। देखिए असलम जी अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आपका केस एस्केलेट हो चुका है, इसको अनफ्रीज करने के लिए हमने आगे फॉरवर्ड किया है, आपको और थोड़ा वेट करना होगा। और मैं वेट नहीं कर सकता, अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो जैसा आपका जो है जैसा आप लोग का जो कस्टमर केयर DBS इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है ना जी, तो इसी फिर मैं किसी अच्छे से एडवोकेट के पास जाता हूँ वकील के पास जाके फिर मैं उसको जाके क्या आप लोग का बात ऐसा चिट्ठा सुनाना पड़ेगा क्या मेरे को? हैरानी कर रहे हो तुम लोग ऐसा क्या ऐसे हैरानी क्या क्या है ये जरूरत नहीं है असलम जी, अकाउंट होल्डर मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी आगे प्रायोरिटी पे केस आपका हाईलाइट किया है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके ये जो इशू है जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए, आप सिर्फ हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए और आपका ये इशू जरूर रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे 15 मिनट हो गए, हम आपको 15 मिनट हुए कि 20 मिनट हुआ मुझे उतना देखना नहीं है, कुछ मुझे कर लेना देना नहीं है, मेरे को मेरा अकाउंट क्लियर होने से मतलब है। अगर अकाउंट आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप डायरेक्टली मुझे ईमेल भेजिए जो आपका अकाउंट हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो नया से क्या बंद भी कर सकते हो, ऐसा आप मुझे रिप्लाई भेजिए।
मैं आप लोग का अकाउंट में से बंद करना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे जो अकाउंट बंद नहीं होगा, आपका ऐसा क्लियरिंग नहीं होगा, पैसा आपका मनी ट्रांसफर अगर रुक जाएगा ऑनलाइन में, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे में आप लोग के ऊपर मैं ऐसे मुकदमा करने ही वाला हूँ। अच्छे से एडवोकेट के पास जाता हूँ, जाकर बातचीत करता हूँ। फिर आप लोग क्या ऐसे ही क्या सोच रहे हो कि पैसा मार दोगे क्या? हाँ, ये क्या बात हो गया सर? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं। तो बार बार मैं भी वही कह रहा हूँ, मेरा बैलेंस मेरे अकाउंट में जितना है, मुझे वो क्लियरिंग करो ताकि मैं ट्रांसफर कर सकूँ। और तो वही तो मैं बता चुका हूँ आपको, और एक तो चीज जो है, और एक जो चीज है, मेरा जो ट्रांसफर जो रोक दिया गया है, वो किस वजह से रोका गया है? वो आपके एड्रेस के इशू की वजह से हो गया है। एड्रेस के इशू के वजह से हो गया। मेरा आधार कार्ड के साथ, मेरा पैन कार्ड के साथ मैं तो छेड़खानी नहीं किया। हाँ, मेरा आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो एड्रेस है मेरा, वही एड्रेस मैंने उसमें फिर उसमें दोबारा से मैंने एक्सेप्ट किया ना। हाँ, KYC के लिए मैंने 17 तारीख को आप लोग को ईमेल किया था। आपको इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे भी आपका अकाउंट चालू कर दिया जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको सारी जानकारी। वो कब आएगा? कब? तब तक हम अभी मैं बता देता हूँ कब आए। तब तक क्या हम भीख मांगे किसी के पास? सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, आप वापस से वही बातें दोहरा रहे हैं। हमारे पास पैसे हैं नहीं ना, मतलब हमारा दिमाग पूरा सटक गया है, हम यही बोलना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले आप सुन के ले लीजिए। हेलो, मैं क्या बोल रहा, अच्छे से सुनिए। हमारा हाथ में अभी पैसे हैं नहीं। मैंने आपकी बात के सुन के ले, मैं पिछले अभी 15 से 16 मिनट से आपकी ही बातें सुन रहा हूँ। आप मुझे मेरी बात सुन के ले लीजिए। अभी मैं कॉल के शुरू से आपको बता रहा हूँ कि सुबह जब आपका डिस्कशन हुआ है तो तभी आपका केस हाईलाइट कर चुके हैं हम। अभी फिलहाल आपका स्टेटस जो है वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, आपको जल्दी इसका कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा। उसके बाद भी सर आप एक ही चीज बार बार कॉल पे दोहरा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप समझ सकते हो, सुनिए, आप समझ सकते हो ना, आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हो। क्वालिफिकेशन यूर, हेलो, यू क्वालिफिकेशन, सॉरी, आपका जो क्वालिफिकेशन है कहाँ तक है? सर मैं वो नहीं बता सकता हूँ आपको। तो ऐसे मैं भी नहीं बता सकता कब क्या होगा, समझ रहे हो सर? लेकिन आपका जैसा वहाँ पर जैसा आप लोग का 7 डेज का है, 7 डेज का इंक्वायरी है, जो 7 डेज में आपका लोग आप लोग का चेक कर सकते हैं, उसके अंदर ही आप ईमेल भेज सकते हैं। आज आप लोग का क्या हो गया, हुआ नहीं अभी तक? आप लोग का कितना स्लो काम चल रहा है? इतना तो स्लो काम चलने का होना नहीं चाहिए। आज से करीब 7 साल पहले मैंने आप लोग का यूट्यूब में, गूगल में मैंने सर्च करके देखा, आज सवेरे 5 साल पहले आप लोग, तो आप लोग का जो ऑनर है वो तो ऐसा बात नहीं किया था। आप लोग का जो बैंक ऑनर है वैसा तो यूट्यूब में वैसा तो बात नहीं किया था। सर सर सुनिए प्लीज, मैंने आपसे कुछ भी गलत बात नहीं की है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था मैं आपके पास, माना नहीं ऊपर, मैं आपके नाम पे माना नहीं केस भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अभी मेरे ऊपर क्या किया था, आपने खुद अभी क्या बोला है, मैंने भी कॉल रिकॉर्डिंग में लिया आपका। जी जी, तो क्या सर मैंने आपको गलत कुछ नहीं बोला, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कॉल के शुरू से, सिर्फ ये बताने की गलत बंदे से तुम लोग ने पैसा लोचा ले लिया, समझ रहे हो? गलत बंदे से आप सर, तुम्हारा जो आप, टीम आप, तुम्हारा जो TBS का टीम का बात था, जो हर पब्लिक के हाथ में आप लोग ऐसा लॉन्च करने वाले थे ना। जी हाँ जी, हर पब्लिक आदमी, हर जो सर्वेंट है, सबके हाथ में होना चाहिए था। आप लोग का ऐसा TBS का टीम था ना इंडिया में लॉन्च करने से पहले? जी जी, आप लोग का कहाँ का ब्रांच है, मेन ब्रांच कहाँ है? सर मेन ब्रांच मैं बता चुका हूँ, मुंबई में आपका, मुंबई हेड ऑफिस। मुंबई के ऊपर कौन सा ब्रांच है? मुंबई के ऊपर सिर्फ मुंबई ही मेन ब्रांच है सर। मुंबई मेन ब्रांच है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुंबई के ऊपर भी तो टीम है। जी नहीं सर, मुंबई के ऊपर टीम नहीं है, मुंबई ही हेड ऑफिस है सर। अच्छा जी, और मैंने तो गूगल नेट में चेक किया, आप लोग का जो मुंबई बता रहे हो, मैंने गूगल नेट में चेक किया, आप लोग का जो मेन जो ब्रांच है, मेन जो आप लोग का हेडक्वार्टर है, वो तो यहाँ का नहीं है। जी एग्जैक्टली, बिकॉज इंडिया में अभी DBS इंडिया में DBS का लॉन्चिंग हुआ है करीबन 5 साल पहले से, इसको शुरुआत किया गया है। जी रॉन्ग बात बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ?
जी सर सही बात बोल रहे हैं आप एकदम। तो मैंने मैं एक आम पब्लिक होकर मैंने आपके लिए इतना सा मैंने पता लगा लिया, आप लोग का 5 साल पहले का ये जो टेक्निकल जो था हर आदमी के हाथ में जाना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ में, हम लोग का मोबाइल ऐप होगा ऐसा होगा, आप लोग ने बहुत कुछ कहा था, आप लोग आपका जो ऑनर है उसने भी खुद कहा था, आपका आप लोग का ऑनर का नाम मालूम है आपको? जी सर मालूम है आपको आपका ऑनर का नाम? हाँ जी पता है मुझे। तो आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग का सर, जो ये आप लोग नहीं नहीं आप सुन के ले लीजिए सर, मैं आपको शुरू से सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी बात उनसे पहुँचाओ नहीं तो उनसे मेरी बात करवाओ, आप लोग का जो ऑनर है उनको मेरा लाइन ट्रांसफर कीजिए, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ मेरा यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा बात उनसे होना चाहिए, उनको मेरा कॉल रिसीव करने को ट्रांसफर करो ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ, समझ रहे हो? असलम जी मैं शुरू से जी आपका कॉल भी ट्रांसफर किया ना, वो तो वो भी आपको वेट करने के लिए ही बोलेंगे, जो जानकारी मेरे सामने है वही जानकारी मैं कंफर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। हेलो आप सुनिए। हेलो हाँ आप सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी आप लोग का जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी जो चला रहे हो, मेरा गला सूख गया आपसे बात करते करते, जो आप लोग का जो टेक्नोलॉजी चला रहे हो AI है ना, AI टेक्नोलॉजी जी, तो AI टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल अगर नहीं कर सकते तो हमारा जो पैसा जो है हर जो नॉर्मल आदमी है हर आदमी का पैसा अगर आप लोग के इसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो अगर टेक्नोलॉजी AI को अगर आप टेक्निकल वजह से नहीं अगर चला पाएंगे गूगल के लो और के माध्यम से अगर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तब हमारा बैलेंस क्या होगा, आप इसके लिए क्या गारंटी ले रहे हैं? आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा सर। माय क्वेश्चन सॉरी मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दो। क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने? अगर आपको AI के टेक्नोलॉजी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए मेरा बैलेंस का कौन जिम्मेदारी लेगा? सर बैंक की जिम्मेदार है। तो बैंक की जिम्मेदार है ना? हाँ जी तो बैंक जिम्मेदार है, आप मुझे कह रहे हो बैंक के साथ कांटेक्ट मत करो, यहाँ पर कांटेक्ट मत करो, तो ये कैसे होगा फिर क्लियरिंग कैसे होगा? सर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है सिर्फ एक सेंटेंस में बता देता हूँ आपको, ये जो है एक ऑनलाइन डिजिटल बैंक अकाउंट है, हम सारे सर्विसेज आपको ऑनलाइन घर बैठे प्रोवाइड करते हैं, ना ही आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत है, ना ही किसी ऑफिस में जाने की जरूरत है, ना ही कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। अभी ये जो इश्यू हुआ था इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज कर रखा है। आप कह रहे हो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे हर परिसेवा मिलेगा, हर कुछ आपको कहीं कुछ जाके कुछ सबमिट करना नहीं है ना, यही कह रहे हो ना? जी वही कहा मैंने आपको। तो आप वो कह रहे हो, मैं तो आपको ईमेल करके मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड मैंने हर चीज भेजा था, है क्या नहीं? जी तो अगर मैं अगर आपको ईमेल करके आप लोग के वेबसाइट में अगर मैं भेज सकता हूँ जी, आपसे मेरा जो बातें हो रहे हैं आप लोग मुझे जो परेशानी दे रहे हो इसके ये वाला जो इतने जो सारे बातें हो गए इसको अगर मैं यूट्यूब में खुलासा करूं, अगर मैं ये इंस्टाग्राम में करूं, फेसबुक में करूं, आप लोग के कंपनी में क्या असर पड़ेगा आप बताओ? नहीं सर बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर पे क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं मैं भूल जाऊंगा, DBS में मेरा अकाउंट था मेरा पैसा था मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग के नाम पे अगर मैं अगर इतना जगह में अगर कुछ फैला हूँ अगर मैं हर आदमी को बोलूँगा बाय पोस्ट करो तो कैसे लगेगा? जी सर बिल्कुल सही है आपकी बात। आप लोग को मैं 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 2 घंटे में मेरा अकाउंट क्लियर होना चाहिए, अकाउंट अगर क्लियर नहीं होगा 2 घंटे के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, आम पब्लिक को उंगली लग जाएगा। आपकी बातें जो है मैं कम्प्लीटली आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम हमारी टीम और इस पे प्रायोरिटी पे लेके काम करें। मुझे आप लोग के DBS में अकाउंट रखना नहीं है, मेरा बैलेंस मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरे को लोचा नहीं चाहिए मेरे को, समझ रहे हो? मैं आपकी बातें रिकॉर्ड क्योंकि मैं मेहनत करके पैसा रखा हूँ, हराम का मैं 2 नंबरी का नहीं देता हूँ, समझ रहे हो? बिल्कुल सही। आप लोग का जो ये बैंक है ये तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो मुंबई ब्रांच इसका तो मुंबई ब्रांच है नहीं जी, इसका मेन जगह बता रहा है तुम्हारा, रुको एक सेकंड मैं इसको गूगल में चेक करके बता रहा हूँ कहाँ बता रहा है। सिंगापुर
सिंगापुर की बैंक है। सिंगापुर, हाँ सिंगापुर, सिंगापुर ब्रांच बता रहा आप लोगों को जो सिंगापुर का है। अगर मान लिया जाए आप लोग अगर ऐसा इंडिया के हर आदमी का पैसा अगर आप लोग के सिंगापुर ब्रांच अगर बंद हो जाता है, किसी वजह से आग लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो इतना सारा आदमियों का पैसा कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल नहीं, कहीं पे नहीं जाएगा सर। कंपनी कहीं पे नहीं जाएगा, आपका पैसा आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने जैसे बताया ये सारी बातें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो आपने बोला वो भी सारी चीजें मैं यहाँ पे टाइप करके इसमें मेंशन करूँगा और सेव करूँगा, ताकि हमारी टीम जल्द से जल्द इसके ऊपर काम कर सके। मुझे आपके टीम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अकाउंट अगर आप लोग अगर अकाउंट बंद नहीं करोगे मेरा पैसा मुझे क्लियरिंग कर दो, मैं ताकि दूसरे जगह मैं उसको भेज सकूँ, ट्रांसफर कर सकूँ, मुझे परेशानी मत दो। मुझे परेशानी चाहिए नहीं आप लोगों से। जी सर, जी सर, समझ रहे हो? हाँ मैं समझ गया सर पूरी अगर तरह से। अगर मैं आप लोग का ब्रांच का इतना सारा बातें अगर मैं आप लोग को बता सकता हूँ यूट्यूब से सुन सुन के, गूगल से सुन सुन के, सर, जी सर, अगर जी मैं सर, आप लोगों के विषय में अगर किसी को मैं खराब बोलूंगा, जी सर सही बात है, तो ऐसे ही मैं भी तो आपके नाम पे घुमा के केस कर सकता हूँ ना, तो मेरे पैसे के लिए मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मेरा पैसे मेरा मेहनत का पैसे के लिए तुम तड़पा क्यों रहे हो? हाँ सर आपकी भी मेहनत का पैसा आप है, तड़पा रहे हो, इतना इतना समझ लीजिए। आप लोग जो है मेरा टाइम को लॉस कर रहे हो, टाइम लॉस, एवरीथिंग लॉस। सर आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया, आपकी सारी चीजें मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आप सुनिए मेरी और एक बात सुनिए, मनी लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस से एवरीथिंग लॉस। आप लोग मेरा कैरेक्टर लॉस कर रहे हो, और आप लोग का भी मैं कंपनी का कैरेक्टर लॉस कैसे करना है मैं फिर बताऊंगा, फिर मुझे परेशानी दे रहे हो, परेशानी देते रहो। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी बातें, मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आगे फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है, आपके सीनियर से मुझे बात कराओ, मैं उनसे बात करके सुनता हूँ क्या करते हैं। सर सीनियर से अगर कॉल ट्रांसफर किया तो वो भी आपको सेम चीज बोलेंगे जो सिस्टम में यहाँ पे अपडेट की हुई है। अगर आपका सिस्टम में ऐसा अपडेट किया गया है, अगर आप आपके खुद के सिस्टम में अगर अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम हमारा आम जनता का पैसा अगर कहीं चला गया तो आप लोग क्या करोगे? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे सिस्टम के अंदर? आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है असलम जी, मैं दोबारा से वही बात बोल रहा हूँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे भी आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। आज कितना दिन हो गया? मैंने ईमेल किया था, आज कितना दिन हुआ? 18 तारीख को ईमेल किया था आपने, 19 तारीख को बैंक का हॉलीडे था गुरु नानक जयंती की वजह से। हॉलीडे का था नहीं था, सुनिए मेरी बात, आप लोग का कितना सारा हॉलीडे होता है मुझे उससे जानकारी लेना देना नहीं है। आई एम टाइम ऑन जी 18 को भेजा है सर ईमेल आपने? 17 को नहीं भेजा था मैंने, 18 को भेजा है सर। अच्छा 18 तारीख को भेजा था, 18 तारीख, 19, 20, 21, 22, आज कितना तारीख है? आज 23 तारीख है। 23 हो गया, आज 6 दिन हो गया। आपका बैंक हॉलीडे हो कुछ हो, आप लोगों को पगार तो मिल रहा है ना? पगार कम ले रहे हो? एक काम करता हूँ सर, आप जी सुनिए मेरी बात, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार फिर से इसको एस्केलेट कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है, ताकि हमारी टीम इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके और हाईलाइट करके इसको काम कर सके। मेरा कोशिश कर रहे हैं, मैं अकाउंट से 2 घंटे बाद, सुनिए मेरे अकाउंट से मैं 2 घंटे बाद बैलेंस ट्रांसफर करूंगा। मेरा अकाउंट को 2 घंटे के अंदर, मेरा अकाउंट को 2 घंटे के अंदर रिलीज किया जाए। मेरा गुजारिश है आप लोग के, आप लोग के DBS के टीम से मेरा गुजारिश है, मेरा 2 घंटे के अंदर मेरा अकाउंट रिलीज किया जाए। 2 घंटे के अंदर रिलीज नहीं होगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए आप लोग वहां से मुझे सर्वर लिंक भेजिए, मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं, ठीक है जी? मैं आपकी चीजें यहां पे मेंशन कर रहा हूं और आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है? बैलेंस रिफंड मिलना चाहिए, बैलेंस अगर रिफंड नहीं मिला तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं सर ऑलरेडी, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप है सर। ओके संदीप सर, मेरा जितना से जल्दी हो सके हल करो, नहीं तो आपके सुपर से, नहीं तो आपके HR से बात कराओ। जी जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, मैं सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, जो हमने बातें की हैं। मैं और ईमेल में आप लोग का मैं नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि मेरे पास डेटा है नहीं, समझ रहे हो जी? वो सारी जानकारी कॉल बैक आना चाहिए, मैं कॉल बैक में बात करूंगा, मैं ईमेल में नहीं देखूंगा, मेरे यहाँ पर डेटा नहीं है, मैं कॉल बैक में बात करना चाहूंगा। आपके वहाँ से कॉल किया जाए ऐसा नोट कीजिए,
मैं ईमेल में बात नहीं कर सकता हूँ। जी 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 मैं पूरा नोट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे के अंदर मुझे वहाँ से कॉल बैक आना चाहिए, ठीक है। ओनली टू आवर्स, ओके। जी असलम, समझ जी असलम, जी असलम जी, ठीक है ठीक है। चलो और कोई हेल्प सर? नहीं बस इतना ही, तुम नोट करके। हाँ और एक, हेलो, हाँ बोलिए। और एक चीज, मेरा जो इतना आप रिक्वेस्ट लिए हैं, मेरा रिक्वेस्ट नंबर मुझे दीजिए जरा। मेरा, मैं तो आप लोग के वहाँ पर, मैं तो आपको फोन करके मेरा रिक्वेस्ट मैंने दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट नंबर मुझे लिख के ले लीजिए। हाँ लिख के ले लीजिए। लिख के क्यों? उसको आप, अभी आपसे बात हो रहा है, आप उससे ईमेल नहीं कर सकते हो? डेटा तो मेरे पास कम है, मैं आपको दे ही लूंगा। माफी चाहूंगा लेकिन मैं यहाँ से मैन्युअली ईमेल नहीं भेज पाऊंगा आपको। आप कहीं भी तो मोबाइल में नोट डाउन करके लेंगे उसको? अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए, मैं इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में ले ले रहा हूँ। हाँ बोलो। कैपिटल में INICRM। बोलते रहो, मेरा इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलते रहो। हाँ -790296। 2 घंटे बाद मुझे वहाँ से कॉल बैक आना चाहिए। मेरे अकाउंट में कितना तक प्रोसेस आगे हुआ है मुझे जानकारी चाहिए, मुझे अपडेट करते रहो। मैं यहाँ पे सारी जानकारी नोट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, और कोई हेल्प? और कुछ हेल्प नहीं चाहिए, आपकी टीम को कहो जितने से ज्यादा होगा उतना बेहतर है, मुझे टाइम मेरा लॉस नहीं सर। करना है, ठीक है। आप जी समझ सर, पा जी रहे हो? मैं पूरी तरह से समझ गया सर। असलम समझ जी मैं पूरी तरह से समझ गया। समझ गए ना, और कुछ समझाने का है? नहीं 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 कुछ समझाने की जरूरत नहीं है सर, मैं पूरी तरह समझ गया आपका इशू। अच्छा ठीक है, चलो जी।